तो हेलो दोस्तों, जो अभी थोड़े दिन पहले हमने गुलाब का प्लांट लगाया था उसमें आप देख सकते हो बहुत सारी छोटी छोटी डालियाँ फूटने लगी हैं। तो ये एक गुलाब का छोड़ तो अच्छे से ग्रो होने लगा है अभी। और यहाँ दूसरे जो बाकी के प्लांट हैं, फ्लावर प्लांट हैं, वो भी यहाँ पर हैं, देख सकते हो। और ये जो दूसरा गुलाब का प्लांट था उसमें पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, ये सूखने लगा है। तो इसमें अब तो डालियाँ फूटने की कोई उम्मीद नहीं है। और एक गुलाब का छोड़ यहाँ पर है जो कल लगाया था, जो कि हम भानवर से ही लाए थे कल। और अभी यहाँ पर मम्मी लेने आई है हमारे खेत की ताज़ा ताज़ा हरी वेजिटेबल। तो आज तो घर पे ताज़ा और फ्रेश वेजिटेबल से सब्जी बनेगी। यहाँ पर है बुलबुल बर्ड और साथ में है छोटा सा बेबी बुलबुल। तो ये बिल्ली से बचाने के लिए इसको यहाँ पर हेलमेट में रख दिया है पप्पा ने, और अभी ये हेलमेट के ऊपर जाकर बैठ गया है। तो इसके लिए यही अच्छी जगह है कि हेलमेट के अंदर ही रहे, और अगर बिल्ली का शिकार हो जाएगा तो भाई दिक्कत हो जाएगी। अभी तो अच्छे से उड़ना भी नहीं सीखा है इसने। तो अभी यहाँ पर हमारी मूंगफली में बैरल चला रहे हैं, और ये जुगाड़ हमने पिछले 2 साल से कर रहे हैं और इसका फ़ायदा भी हमें हुआ है। तो मैं आगे बताता हूँ मूंगफली की लाइनों पे बैरल चलाने से क्या फ़ायदा होता है हमें। तो दोस्तों, बैरल चलाने से क्या होता है कि जो मूंगफली की डालियाँ होती हैं वो सारी ज़मीन को टच कर जाती हैं, जिससे सुए ज़्यादा मात्रा में बैठते हैं। वैसे कुछ लोग ट्रैक्टर के टायर को भी चलाते हैं इसमें मूंगफली की लाइनों पे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये जुगाड़ कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ, इसमें आपको फ़ायदा दिखा या नहीं ये भी ज़रूर बताना हमें कॉमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, बैरल चलाने के बाद मूंगफली में पानी देना है, तो मैं और पप्पा अभी उसी की तैयारियां कर रहे हैं। और मम्मी ने ये वीडियो शूट किया है। तो अभी जो फुवारा से पानी देना है मूंगफली में, तो अभी लाइनों को खेत में पहुंचा रहे हैं मैं और पप्पा।